Hello everyone, welcome to LBS. Today we will continue the exercise 4.1 of chapter number 4. Now we are at the question number 3. Solve the following equations by trial and error method. मीन्स जो भी आपको इक्वेशंस दे के रखे हैं वन बाय वन हम उसमें नंबर्स सब्स्टिट्यूट करेंगे पुटअप करते जाएंगे एंड जो भी वैल्यू आएगी उसे चेक करेंगे कि हमें लास्ट में आंसर 70 मिल रहा है या नहीं. अगर आपको आंसर में 17 मिल रहा है तो आपने पी की जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की होगी वो आपका आंसर होगा. लेट सी 5p + 2 = 7. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द नंबर 1. लेट पी इज इक्वल टू 1. पुट पी इज इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन. This is 5 × 1 + 2 = 5 + 2 = 7, which is not equal to 17. इसकी वैल्यू जो मिली है 17 के इक्वल नहीं है. तो हम सेकेंड नंबर लेते हैं. लेट पी इज इक्वल टू 2. 2 की वैल्यू हम इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर पी के प्लेस पर. दिस इज 5 × 2 + 2. 5 × 2 = 10 + 2 = 12. वो भी 17 के इक्वल नहीं है. अब उसके बाद हम पी इज इक्वल टू 3 राइट करते हैं तो इट बिकम्स 5 × 3 + 2 = 15 + 2 = 17. तो हमको 17 वैल्यू मिल गई. सो वी कैन से दैट पी इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है 3 − 14 = 4. इसमें भी आप किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हो बट मैंने 4 से स्टार्ट किया क्योंकि 1 से लेते हैं तो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी. सो लेट m इज इक्वल टू 4. पुट दिस वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन इन द प्लेस ऑफ m. So it becomes 3 × 4 − 14. 3 × 4 = 12 − 14 = −2. बट हमको आंसर में क्या चाहिए 4 जो इसके इक्वल नहीं है. सो दिस इज नॉट आंसर. लेट m इज इक्वल टू 5. अब 5 ले लेते हैं. इट बिकम्स 3 × 5 − 14 = 15 − 14. 3 × 5 = 15 − 14 = 1 विच इज नॉट इक्वल टू 4. ये भी 4 के इक्वल नहीं है तो हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे. लेट m इज इक्वल टू 6. दिस इज 3 × 6 − 14. 3 × 6 = 18 − 14 = 14. तो हमें सॉरी दिस इज 4. तो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गई. अब रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गई सो आवर आंसर इज m इज इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. नेक्स्ट राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो हमें स्टेटमेंट्स दे के रखे हैं हम उसे जस्ट इक्वेशन में क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे. फर्स्ट द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड 4 इज 9. सम मीन्स प्लस करना है तो एक्स एंड 4 का प्लस कितना मिल रहा है हमें 9. द इक्वेशन इज एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 9. सेकेंड नंबर 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वाई इज 8. मीन्स अगर वाई में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी 8. देयरफॉर आवर इक्वेशन इज वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 8. नेक्स्ट 10 × a = 70. मीन्स a का 10 times राइट करते हैं तो वो 70 के इक्वल हो जाएगा. तो 10 से a में मल्टीप्लाई किया 10 = 70. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6. b को आप 5 से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी 6. इट बिकम्स b/5 = 6. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7. This is for your practice. Now come at the question number 8. If you take away 6 from 6 times y, you get 60. जहाँ पर आपको ये वर्ड दिखाई दे टेक अवे मीन्स हमको क्या करना होता है माइनस करना होता है. तो हमको माइनस क्या करना है 6 from 6 times y. तो y का 6 time लेना है उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल गेट 60. इट बिकम्स 6y − 6 = 60. दिस इज आवर इक्वेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके लिए क्या है होमवर्क है. ओके कमेंट द क्वेश्चन नंबर 5. राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द स्टेटमेंट फॉर्म्स. हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा कि स्टेटमेंट फॉर्म्स दे के रखे हैं उनमें से हमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना था. यहाँ पर आपको इक्वेशन दे के रखा है स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. देयर आर 8 क्वेश्चंस आर गिवन हियर. सो जस्ट सी हियर इन द फर्स्ट वन आई जस्ट सॉल्व इट. p + 4 = 15. हाउ कैन वी राइट इट कैसा लिख सकते हैं. दिस इज द सम ऑफ p एंड 4 इज 15. प्लस मीन्स हम सम लिखते हैं.
तो द सम ऑफ पी एंड फोर इज 15। नेक्स्ट सेकेंड नंबर एम माइनस सेवन इज इक्वल टू 3। देन वी कैन राइट 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एम इज 3। 7 को हमने एम में से सब्ट्रैक्ट किया है, सो वी कैन राइट 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एम इज 3। 3, 4, 5 इजी है, सो दिस इज फॉर यू एज होमवर्क। कम एट द क्वेश्चन नंबर 6। वट इज गिवन 3 टाइम्स पी प्लस 4 इज इक्वल टू 25। सो इफ वी 4 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर पी, अगर 4 को 3 टाइम्स नंबर ऑफ पी में ऐड करते हैं, इट गिव्स 25। ये राइट कर दिया हमने। सेकेंड 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18। 7 नंबर वी कैन राइट 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर पी। 4 टाइम नंबर पी में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया, इट गिव्स 18। लास्ट पी बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। सो यू कैन राइट इट एड 2 टू हाफ ऑफ अ नंबर ऑफ पी टू गेट 8। तो हाफ ऑफ पी, पी का हाफ करने पर उसमें हम अगर 2 ऐड करते तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, 8। कमेंट द क्वेश्चन नंबर 6। सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। व्हाट इज गिवन हियर? C1, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिट हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल्स। तो इरफान के पास जो मार्बल्स है, जो परमिट के मार्बल है, उसके 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा है। तो इरफान के पास टोटल मार्बल्स कितने देकर रखे हैं, 37 मार्बल्स। और हमको m का यूज करके इक्वेशन बनाना सी या हम एज्यूम करते हैं लेट परमिट हैज m मार्बल्स। परमिट के पास कितने मार्बल्स हैं, m, क्योंकि परमिट के पास कितने मार्बल्स हैं हमको पता नहीं, सो वी एज्यूम m एज पर द गिवन क्वेश्चन। सो व्हाट इज गिवन? 5 टाइम्स द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल प्लस 7। परमिट के पास जितने भी मार्बल्स थे उसका 5 टाइम करके उसमें 7 ऐड करते हैं तो उतना टोटल मार्बल्स किसके पास था, नंबर ऑफ इरफान्स मार्बल। तो हमने क्या राइट किया, 5 टाइम नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल्स प्लस 7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इरफान्स मार्बल्स। सो नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल कितने थे, 5m, m था तो हमने इसके प्लेस पर m राइट कर दिया, इट बिकम्स 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37। हमको इक्वेशन ही बनाना था, सॉल्व नहीं करना, सो और क्वेश्चन इज कंप्लीट या कम एट द क्वेश्चन नंबर 2। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, टेक लक्ष्मीज एज टू बी वाई ईयर्स। क्या बोला है उसने, लक्ष्मी के जो फादर है वो 49 ईयर्स के हो गए, बट एज अ हम एज्यूम करते हैं तो उनकी जो एज है वो उनके डॉटर की एज से और डॉटर की एज के 3 टाइम्स से 4 ईयर ज़्यादा है, और लक्ष्मी की एज को हमने क्या एज्यूम करने को बोला है इसने क्वेश्चन में, वाई। सो हम एज्यूम करते लेट लक्ष्मी बी वाई ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी कितने साल की है, वाई ईयर्स की होगी। सो 3 टाइम्स जो एज ऑफ लक्ष्मी प्लस 4, लक्ष्मी के एज के 3 टाइम में 4 ऐड करते हैं तो उसके इक्वल में किसकी एज आएगी, लक्ष्मी फादर एज। लक्ष्मी की एज हमने क्या एज्यूम की, वाई, इट बिकम्स 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है, सेम आपको इक्वेशन बनाना है, उसे सॉल्व नहीं करना है। सो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप रिवाइजिंग।